मेरा यह कहना है कि दयाशंकर सिंह, चूंकि मेरा, मैं हरिनारायण राजभर, सांसद घोसी मऊ उत्तर प्रदेश, मऊ जो है मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से मैं सांसद हूँ जी। मेरे क्षेत्र में से शुरुआत हुई, दयाशंकर जी ने पाठ्यक्ष होकर गए, कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। स्वागत के दौरान जी कुछ बातें मीडिया वालों ने पूछा उनसे, तो वो जो कुछ भी कहा इस भाव से नहीं कहा जिसको बसपा ने अपने संज्ञान में लिया। अब कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी कहे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको पार्टी से निकाल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने का अब वो कार्यकर्ता नहीं रहे। उनके साथ क्या हो रहा है पर्सनल दयाशंकर जी के साथ कोई नहीं बोला, मगर जब उनकी पत्नी के साथ मान लीजिए मिस्टेक कर गए, उन्होंने जो बातें कहे, मायावती जी उग्र होकर के राज्यसभा में जो कुछ भी कहना चाहे कहीं, अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया सड़कों पर जी आने के लिए, जब उनके कार्यकर्ता सड़कों पर आए तो अब उनसे कहीं अधिक बढ़ करके, वो तो एक अनजान में एक लैंग्वेज मिस्टेक हो गया, उन बात आ गई, कोई उनके कहने का भाव नहीं था, मगर मायावती जी के निर्देश पर, आह्वान पर नसीमुद्दीन सदीकी, राम अचल राजभर जो एक मंत्री रह चुके हैं, एक भी मंत्री रहे, आज अध्यक्ष हैं, इन लोगों ने सरेआम लोगों में यानी एक योजनाबद्ध तरीके से दयाशंकर की बेटी को कहा अपमानजनक बात, दयाशंकर की पत्नी को अपमानजनक कहा, दयाशंकर के ये बहन को अपमानजनक कहा, जिसके वजह से दयाशंकर की लड़की आहत हो गई। जी हमारे कहने का मतलब है कि यह कहाँ का न्याय है कि उन्होंने इस तरह का शब्द कहा, ये तो उनसे बड़ा अपराध हुआ।